हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बायो प्रैक्टिकल के बारे में बताएंगे। बायो प्रैक्टिकल में हम कर रहे हैं आज पुष्प का विच्छेदन, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टू डिसेक्ट द फ्लावर एंड ड्रॉ द वैल्युएबल डायग्राम ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर। पहले हमको आइडेंटिफाई करना है फूल के पार्ट्स को। मेरे हाथ में ये जो फ्लावर है ये कौन सा शू फ्लावर है, इसको अपन रोजा साइनेसिस भी बोलते हैं, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस इसका साइंटिफिक नेम है। इसमें आप देख रहे होंगे इसको, जिसको मैंने ये डंडी पकड़ के रखी हुई ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं पेडिसिल। ये जो लंबी डंडी दिखती है इसको हम बोलते हैं पेडिसिल, जिसके नीचे फूल है ये जो पूरे फूल को स्टॉक करता है। और ठीक उसके ऊपर आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ध्यान से देखिए, सब देखेंगे ध्यान से, ये देखिए। अब अपन फूल को अगर ऐसे पकड़ लेते हैं तो हमको फूल में ये वाली छोटे छोटे लीव जैसे ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये किसी फूल में नहीं होते हैं, सिर्फ गुड़हल के फूल में या इस शू फ्लावर में होते हैं। ये इनका नंबर होता है, अगर अपन इसको काउंट करते हैं तो आप इसको ध्यान से काउंट कीजिए तो ये होते हैं, जैसे मैंने यहाँ शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तक होते हैं, 3 से 7, इनको हम लोग बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ये वाले ग्रीन कलर के, यहाँ मैंने लेबल किया हुआ, ये देखिए एपिकैलिक्स, ये कहाँ पर है, कैलिक्स के नीचे। जनरली फ्लावर में क्या होती है, दो ही चीजें होती है, कैलिक्स और कोरोला। कोरोला बोलने से ये कलर पार्ट ऑफ द फ्लावर, किसी भी फूल का रंगीन भाग जो होता है उसको हम लोग हिंदी में दल कहते हैं, दलपुंज, और इंग्लिश में हम इसे कोरोला कहते हैं। और जो उसके नीचे ग्रीन कलर का पार्ट होता है, जो ये इसके नीचे ये वाला जो दिख रहा है ये वाला, इसे हम लोग कहते हैं कैलिक्स, है ना, बायदल। लेकिन सभी फूलों में ये दो ही चीजें होती है, लेकिन यही फूल एक ऐसा स्पेशल फूल है जिसमें एक और स्ट्रक्चर दिखता है पेडिसिल के ऊपर, हिंदी में अपन कहते हैं पुष्पवृत्त। 3 से 7 रचनाएं होती है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, विच इज कॉल्ड द एपिकैलिक, दिस इज द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ दिस फैमिली। यदि आपसे कोई पूछता है कि ये फूल जो है, इसका पहले साइंटिफिक नेम पूछता है, तो इस फूल को हम लोग कहते हैं हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, ये इसका साइंटिफिक नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेसिस, और कॉमनली कॉल्ड शू फ्लावर, इसे हम वैसे शू फ्लावर या गुड़हल का फूल भी कहते हैं, शू फ्लावर या आप हिंदी में से गुड़हल का फूल कहते हैं कई लोग, है ना। तो इसमें हम क्या देखते हैं, ये विशिष्ट क्यों हुआ, क्योंकि इसमें नीचे की तरफ हमको 3 से 7 ग्रीन कलर की ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जिन्हें हम एपिकैलिक्स या अनुबायदल कहते हैं। अनुबायदल के ऊपर फिर हमको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, मतलब फूल को कवर करता हुआ, मैंने वैसे डायग्राम बनाया है ये वाला, लेकिन मैं फिर से बना देती हूँ, ये ऐसे करके ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, उसके नीचे ये ऐसे ऐसे और ऐसे, फिर ये ऐसे है, ठीक। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें हमको ऐसे नहीं दिख रहा, लेकिन ये जुड़े हुए हैं, तो आपको ये ऐसे ड्रॉ करने रहते हैं, ऐसे करके ये ऐसे, और ये रहते हैं 5, ये देखिए ऐसे, ये हो गया एपिकैलिक्स, ठीक, और ये हो गया कैलिक्स, ये इतना ऐसा दिखता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर इस फूल की है प्रेजेंस ऑफ एपिकैलिक, जो किसी फूल में नहीं होता। अब आते हैं अपन ऊपर, अगर हम लोग को फ्लावर डिसेक्ट करने बोल रहा है तो पहले हमको फूल को खोलना रहता है, यहां से ऊपर से खोलते हैं, पर मैं खोलने से पहले आपको दिखा दूं फिर खोल देती हूँ। ये जो मैंने पकड़ा हाथ में ये कलर वाला पार्ट, इसको हम पीटल या कोरोला कहते हैं। अब हम कोरोला के अंदर से देख रहे हैं, ये बाहर की ओर झांकता हुआ एक लंबी सी ट्यूब है, ये दिख रही है सबको, ये जो है इसको हम स्टैमिनल ट्यूब बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ इन्फिनिटिव, ये जो छोटे छोटे में दिख रहे हैं पीले टिप्स वाले, ये पूरे स्टैमिन से है। इन्फिनिटिव स्टैमिन इज ऑल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मतलब नॉट काउंटेबल, इसको हम गिन नहीं सकते। और सबसे ऊपर ट्यूब के जाके हम लोग देखते हैं तो इसके ऊपर हमको 5 छोटे छोटे, ये इसमें ये इसके ऊपर मेरे हाथ से टूट गए, ये देखिए छोटे छोटे ऐसे काले टिप्स वाली स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जो कि स्टिग्मा है, और इसका स्टिग्मा 5-लोब्ड होता है, इसलिए मैंने लिखा है पेंटास्टिग्मेटिक, ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। और जो मैं दिखा रही थी वो ये स्टैमिन दिख रहे थे, और उसके अंदर क्या है, अब आप सोचेंगे स्टैमिनल ट्यूब तो आपने दिखा दी मैडम, लेकिन इसके अंदर स्टाइल कहाँ है, क्योंकि मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है यहाँ पर उसको। अब देखिए हम इसमें पार्ट्स ऑफ फ्लावर में दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पीटल और ये जो कैलिक्स और
पीटल जिसको हम कोरोला कहते हैं, कोरोला कैलिक्स और पी कैलिक्स, दिस इज द एसेसरी पार्ट ऑफ द फ्लावर, इनको हम कहते हैं पुष्प की रक्षा करने वाले भाग हैं, सहायक भाग। तो मेजर पार्ट कौन सा रहता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, मतलब प्रजनन में भाग लेने वाले पुष्प के भाग हैं पुंकेसर या स्टैमेन, और फीमेल पार्ट जो इसको हम कहते हैं जायांग, ये जो है ये है मेल पार्ट है, स्टैमेन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये है मेल पार्ट, ठीक। और ये है जिसको हम गायनेशियम कहते हैं, दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, ये है फीमेल पार्ट, फ्लावर का क्या है फीमेल पार्ट है। तो इसमें देखिए हमको दोनों कहाँ दिख रहे हैं, पहले हमको ये देखिए, हमने इसको इस ट्यूब को निकाला और ऐसे कर लिया, ऐसे पकड़ लिया, तो हमको क्या दिख रहा है, आप बोलेंगे सिर्फ ये ट्यूब दिख रही है, इस ट्यूब के अंदर स्टाइल है जिसको हम वर्तिका कहते हैं, ऊपर स्टिग्मा है, और नीचे अगर हम फूल को खोल देते हैं, आपको कहा था जैसे कि मैंने फूल खोल देती हूँ, तो ये देखिए मैं धीरे धीरे इसको खोल रही हूँ फूल को, अब मैंने फूल खोल दिया तो अब आपको इसमें क्लियर दिखेगा कि मैं आपको ओवरी दिखाना चाह रही हूं, फूल की ओवरी, ये देखिए अब हम इसको खोलते हैं तो हमको, अब मैं फूल को ऐसा पकड़ सकती हूँ, ये देखिए व्हाइट कलर वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये जो व्हाइट पार्ट है ये ओवरी है, दिस इज द स्वोलन पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये स्टिग्मा स्टाइल एंड देन ओवरी, इसके अंदर क्या बंद है, ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है जो कि फीमेल गैमेटोफाइट है। अब अगर हमको बोलता है एग्जाम में, एग्जामिनर ने क्या कहा, ड्रॉ द अवेलेबल डायग्राम और आइडेंटिफाई द पार्ट, आपने पार्ट पहचान लिया, अब आप एक पेपर शीट लेंगे और उस पेपर शीट के ऊपर इनको अलग करके रखेंगे, एग्जामिनर देखेगा आके, तो आप इसको धीरे से निकालिए यहां से पूरा ऐसे करके, क्योंकि ये फीमेल पार्ट है तो इसको मेल और फीमेल एक साथ है, तो इसको अपन को कोरोला को निकाल देना है, कोरोला को हम लोग अलग से दिखाएंगे, उनको ऐसे रख देंगे पेपर में, क्योंकि इसमें पांच कोरोला होते हैं। ये देखिए मैंने इसको भी निकाल दिया, मैं दूसरा फूल आपको दिखाऊंगी, ये इसके कैलिक्स को भी निकाल देती हूँ, और इप्पी कैलिक्स अपने को दिखेगा खाली इसमें, ऐसे करके हम एक पेपर शीट लेंगे व्हाइट कलर की, और ये देखिए मैंने ऐसे रख दिया इसको, ये तरीका है आपका फूल को डिसेक्ट करके रखने का। एग्जामिनर को ये मालूम चल जाएगा कि बच्चे को नॉलेज है, वो जानता है कि उसने क्या किया। तो ये देखिए इसमें हमको स्टिग्मा स्टाइल ओवरी दिख रही है, और ये नंबर ऑफ स्टैमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिख रहा है, एपी कैलिक्स दिख रहा है, और नीचे पेडिसल दिख रही है। अब आप बोलेंगे कोरोला, तो कोरोला हम ये हमारे पास पांच है, जो ये पीटल्स हैं कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर, इनको हम अरेंज करके रख देंगे, ये इस तरह से आप इसको रखेंगे, ये है कोरोला, ये पांच होते हैं इसके अंदर। इस फ्लावर की खासियत है इसमें सब चीजें पांच है, सिर्फ स्टैमेन को छोड़ के। अब आप क्या करेंगे, जब आप इसको ऐसा रख देंगे ना, तो एग्जामिनर को मालूम होना चाहिए कि आपको आता है, तो आप इसको फूल के फॉर्म में अरेंज कर दीजिए, ये ऐसे, ये ऐसे। अब क्या है, आपने ऐसे अरेंज कर दिया, ये देखिए जैसा मैंने अरेंज किया है, ध्यान से देखिए, और यहाँ लिख दीजिए कोरोला कल, और वहां लिख देंगे एक लाइन में कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज कॉल्ड द पीटल एंड ऑल्सो कॉल्ड द टेक्निकल लैंग्वेज में कोरोला बोलते हैं। पुष्प का रंगीन भाग जो रहता है उसके दल को हम दलपुंज कहते हैं हिंदी में। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वीएसएफ फ्लावर है, लेबल कर दीजिए, ये स्टिग्मा है, ये स्टैमेन है, ये ओवरी है, ये पीकैलिक्स है, ये पेडिसिल, ऐसे लेबल करके रख देंगे ना, तो एग्जामिनर को ये मालूम चल जाएगा इस बच्चे को सब आता है, ठीक। अब आते हैं अपन लोग इसमें, सेकंड वाला फूल मेरे पास है नीचे में, मैं इसमें आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि आपने इस फूल में दिखा तो दिया कि ये, पर हमने कैलिक्स नहीं दिखाया था, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इस फूल को ऐसे ही कर दीजिए, और यहां से या तो इसको अपन रबड़ बैंड लगा दें और फूल को ऐसे रख दें, तो ये हमको दिख रहा है, देखिए बहुत आराम से दिख रहा है, ट्यूबुलर फॉर्म, दैट मीन द कैलिक्स, कैलिक्स जो रहता है दे फॉर्म द होरल्स अराउंड द कोरोला, मतलब कोरोला के चारों तरफ वो एक रिंग बनाता है, ट्यूब जैसा बनाता है, तो ट्यूबुलर फॉर्म में, मतलब बेल शेप्ड, आप ऐसा करो तो ऐसा लगता है घंटी लटक रही है ना, तो आपको अगर शो करना है तो आप उसको ऐसा भी शो कर सकते हैं, रख के फूल को यहाँ रबड़ बैंड डाल दीजिए, ऐसा करके दबा देंगे अपन फूल को, तो आपको इसमें ये देखिए, अब हमको ये देखेंगे अपन, इसके ऊपर अपन कुछ वजन रख सकते हैं। अब आप देखिए ये दिख रहा है आपको, इप्पी कैलिक्स, कैलिक्स एंड कोरोला, तीनों चीजें दिख रही है, दिख रही है सबको। अब एग्जामिनर क्या चाहता है कि आपको पेपर शीट में रखने के बाद
आप इसका डायग्राम भी बनाना जानते हैं कि नहीं, तो आपको आपके आंसर शीट में वो ध्यान से देख लीजिए सब चीजों को, फिर नहीं कहेंगे कि हमें समझ में नहीं आया। ये देखिए, जो कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर इज द कॉल्ड कोरोला, ठीक, पेडिसेल, एपिकैलिक्स, ये ओवरी है व्हाइट कलर वाला, लंबा वाला स्टैमिनल ट्यूब के अंदर स्टाइल बंद है, पेंटागमेटिक स्टेम वो है, स्टिग्मा है विच इज रिसीविंग द पोलन ग्रेन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, और ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको ये क्या है, नंबर ऑफ स्टैमेंस विच इज इन्फिनिटिव। ठीक, अब दूसरा काम हमारा सबसे बड़ा था बोर्ड आपका कॉपी वर्क, कॉपी में आपको लिखना ऑब्जेक्ट टू डिसेक्ट द गिवन फ्लावर। मैंने इसलिए लिखा आपको टीचर कौन सा फ्लावर दे रहा है, गिवन फ्लावर आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर, आपका मेन उद्देश्य क्या है, पुष्प के विभिन्न भागों के की रचना का अध्ययन करना। अब यह दूसरा आता रिक्वायरमेंट में हमको फूल ही चाहिए, ज्यादा ज्यादा एक नीडल की आवश्यकता होगी, और ड्रॉ द वेलेबल डायग्राम ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावर, ये हमारा कॉपी वर्क है आंसर शीट में। तो पहले हमने इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्टैमेन का डायग्राम ड्रॉ किया, स्टैमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट इज हैविंग डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, अपर लोब्ड स्ट्रक्चर, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर फॉर द एंथर विच कंसिस्टिंग द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द फॉर्म ऑफ पोलन मदर सेल, लेटर डिवाइडेड एंड प्रोड्यूसिंग द पोलन ग्रेन, और उसके बाद ये दोनों जो लोब्स होते हैं विच आर कनेक्ट विद ईच अदर थ्रू द कनेक्टिव, दोनों जुड़े हुए रहते हैं उस जगह को हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। नेक्स्ट नीचे आते हैं, लंबा पतला स्ट्रक्चर है, लॉन्ग थिन फिलामेंट, दैट मीन द स्टैमेंस कंसिस्टिंग द थ्री पार्ट्स, अपर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर एंड बोथ एंथर्स ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव, नाउ द लास्ट पार्ट इज द फिलामेंट, और ये है पोलन मदर सेल, लेटर द पोलन मदर सेल डिवाइडेड बाय द माइक्रोस्पोर एंड प्रोड्यूसिंग द माइक्रोस्पोर विच इज द मेल गैमेट, ये आगे की बात फर्टिलाइजेशन के लिए होती है। सो देयरफॉर इज मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में तीन पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, जो मैंने आपको दिखाया ये वाला पार्ट देखिए, फिर से दिखा देते हैं, ये अपर में फाइव लोब स्ट्रक्चर है जिसको हम स्टिग्मा इसमें बोल रही है, आपका हिबिस्कस में ऐसा सब फ्लावर में फाइव लोब नहीं होते, बाइलोब्ड होता है, मोनोलोब्ड हो सकता है, उसके नीचे लंबी ट्यूब है जिसके अंदर कौन बंद है, स्टाइल बंद है, वो इसलिए बंद है क्योंकि क्या होता है, ये पूरे जो स्टैमेंस होते हैं इसके फिलामेंट क्या करते हैं, दिस फिलामेंट यूनाइट अराउंड द स्टाइल कवर एंड फॉर्म द स्टैमिनल ट्यूब, दिस इज ऑल्सो प्रोमिनेंट फीचर, क्योंकि क्या होता है ये जो पुंकेसर है ना, ये स्टैम है, इनकी जो पीछे पतला फिलामेंट है ये जो मैंने आपको डायग्राम में बताया, ये सब जुड़ते जाते और स्टाइल के चारों तरफ ट्यूब बना देते हैं जिसको हम स्टैमिनल ट्यूब बोलते हैं, इसलिए स्टाइल इसके अंदर बंद है, ये ओवरी है और नीचे में थैलेमस है जिसके ऊपर ये सिचुएटेड है। ठीक, अब हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, स्टिग्मा रिसीविंग द पोलन ग्रेन एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन होगा तो पोलन ग्रेन इस पे गिरेंगे फिर फर्टिलाइजेशन होगा, कैसे, द पोलन ग्रेन रिसीविंग बाय द स्टिग्मा देन पासिंग थ्रू द स्टाइल एंड रीच टू द ओवरी वेयर द ओवियल इज सिचुएटेड, मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए उसको यहां तक जाना पड़ता है। अब आते हैं हम लोग, अगर ये तो हमने फुल डायग्राम बना के बताया कि सभी पार्ट आपको इसमें दिख रहे हैं, पेंटास्टेगमेटिक आपको स्टिग्मा दिख रही है विच इज द फीमेल पार्ट, स्टाइल ये नंबर ऑफ स्टैमेन जो मैंने आपसे कहा इन्फिनिटिव है, और उसके बाद है ये ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूलर, ये एपिकैलिक्स, कैलिक्स, फिर आपको ये कोरोला जो है ये कलर में मैंने बनाए हैं, और नीचे है ये इसका थैलेमस जिसके ऊपर पूरे पार्ट सिचुएटेड है, थैलेमस अगेन कनेक्ट विद द पेडिसिल जिसको हम बोलते हैं पुष्पवृंत, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द बायोप्रैक्टिकल, द गिवन फ्लावर डिसेक्टेड टू द गिवन फ्लावर एंड ड्रॉ द वेलेबल डायग्राम ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावर, आपको आइडेंटिफाई करना है और व्हाइट पेपर शीट लेंगे उसको वहां रखेंगे और सब पार्ट्स को अलग अलग रख के उसके ऊपर अपने को नाम भी लिखने, ये देखिए अब इसको अपने को आप अच्छे स्टूडेंट हैं इस बात से कैसे रहे पता चलेगा, ऐसा हमको लिखना है, लेकिन ध्यान से देखेंगे सब, ये देखिए इसको आप ऐसा अपने प्रैक्टिकल बेंच के ऊपर भी जहां कर रहे हैं वहां पे इसको रखेंगे, ठीक है, तब क्या होता है आपके नेटनेस और इसमें भी मार्क्स होते हैं, फिर रिटर्न वर्क आप अपनी आंसर शीट में करेंगे, ये अलग वाइट पेपर आपको दिया जाएगा जिसके ऊपर आप इसको रखेंगे, ठीक है। फिर से अगर आपको डाउट है तो कोई पूछ सकता है, और ये फ्लावर बहुत जल्दी इजीली अवेलेबल होता है और डिफरेंट पार्ट हमको इसमें दिखाई देते हैं इसीलिए हम जल्दी इसको कर लेते हैं। तो आपको इस तरह से लिखना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, इसको आप ऐसा ड्रॉ नहीं करेंगे बीच में, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। और ये कौन सी फैमिली का फ्लावर, यदि मान लीजिए आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है तो ये मालवेसी फैमिली का फ्लावर है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन फीचर जो है वो ये है, प्रेजेंस ऑफ एपिकैलिक्स, नंबर ऑफ स्टैमेन इनडेफिनिट एंड स्टिग्मा इज पेंटास्टिगमेटिक,
दिस इज अबाउट द प्रैक्टिकल. तो आपने गिवन फ्लावर को आइडेंटिफाई कर लिया, शू फ्लावर है और इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट और सबको आपने आइडेंटिफाई करके डायग्राम ड्रॉ करना है, बस दिस इज ऑल अबाउट. उसके बाद इसका कोई ऑब्जर्वेशन में आप इसको डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, आपने प्रैक्टिकल किया है तो आप इसको ऑब्जर्वेशन वाली स्टाइल, इसको हम ऑब्जर्वेशन में ले सकते हैं, ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये आपका ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि इसमें कोई टेबल नहीं, कुछ नहीं बनता है, सिर्फ डायग्राम बनते हैं, ये आपका ऑब्जर्वेशन है. और कंक्लूडिंग पार्ट या इसका रिजल्ट कुछ नहीं होता, नीचे बस लिखा है, हमको लिखना है लास्ट में आइडेंटिफाई द गिवन, आइडेंटिफाई द डिफरेंट रिजल्ट में आप लिखेंगे, ठीक है, इतना आपका होगा बस. दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल वर्क. ओके.